अलगम स्टूडेंट्स तो आज जो है हम द uh, किंगडम प्रोकेरियोटी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर से डिस्कस करने जा रहे हैं इससे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया था इस चैप्टर का अब जो है हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे इसकी डिस्कवरी पढ़ेंगे ठीक है सो so, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने लाइक का बटन प्रेस नहीं किया वो लाइक बटन प्रेस कर दे और जो इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब और बेलाइकन को जरूर प्रेस कर दें ठीक है सो एडवांस इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिविंग things often often depends on the invention of special instrument ये कह रहे हैं कि एडवांस इन आवर अंडरस्टैंडिंग यानी हम जो एडवांस है हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है ऑफ लिविंग थिंग्स के जरिए मैं जानदारों जानदारों के ज़रिए जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है जो एडवांस अंडरस्टैंडिंग है जानदारों के बारे में ठीक है वो ऑफिन वो अक्सर क्या होती है डिपेंड्स होती है किस पर ऑन द इन्वेंशन ऑफ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट पर वो अक्सर जो है डिपेंड्स होती है किस पर जो इन्वेंशन है ना जो ईजाद है स्पेशल इंस्ट्रूमेंट पर उस पर यानी जो हमारी एडवांस जो हमारी एडवांस हमारी ना एडवांस अंडरस्टैंडिंग है ना पहले बहुत कम थी और मौजूद में बहुत ज़्यादा हो गई है ठीक है सो so, वो किस पर डिपेंड करती है वो जो है इन्वेंशन ऑफ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट पर डिपेंड करती है मेन इजाद जो होती है ख़ास औजार की इंस्ट्रूमेंट की सो so उस पर डिपेंड करती है हमारी एडवांस अंडरस्टैंडिंग ठीक है क्योंकि तो जितने अच्छे स्पेशल इंस्ट्रूमेंट आते जाएंगे जैसे कि पहले जो था आ, लाइट माइक्रोस्कोप से इतना क्लियर नज़र नहीं आता था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आपने सेल्स का सेल्स के अंदर जो आ, जो ऑर्गेनल है जो कि मैंने चैप्टर फोर में सेकेंड इन बायोलॉजी में बताए थे उसके बारे में इतना जानना किस किस तरह मुमकिन हुआ तो वो इलेक्ट्रॉन माइ मारे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए ही हुआ ना हमने इतना डीप में देखा सेल को तो वो एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट साबित हुआ सही है उसकी इन्वेंशन जो हुई जब भी हमने सेल्स को सेल्स के अंदर मौजूदा ऑर्गेनल के बारे में इतना डीप में स्टडी किया सो ये यही कह रहे हैं कि जो एडवांस हमारी अंडरस्टैंडिंग है जानदारों के बारे में वो अक्सर क्या होती है डिपेंड करती है इन्वेंशन ऑफ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट पर ठीक है बिकॉज ऑफ़ दियर एक्सट्रीमली क्योंकि एक्सट्रीमली स्मॉल साइज़ क्यों वही बात हो गई कि बहुत ही छोटा साइज होता है ठीक है और जैसे कि वायरसेस वायरस बहुत ही छोटा साइज होता है ठीक है और क्या है वुड नॉट बी डि डिटेक्टेड बाई द ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप वही बात हो गई कि वायरसेस हो गए जैसे कि एक्सट्रीमली स्माल साइज जो कि बेनतहा स्मॉल साइज़ है वायरसेस का और वुड नॉट भी डिटेक्टेड और इस, इसको आप डिटेक्ट ही नहीं कर सकते किसके ज़रिए ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के ज़रिए ठीक है देआर प्रजेंस वॉस एज्यूम्स लेकिन इसकी प्रेजेंस को सिर्फ क्या किया गया है एज्यूम किया गया है ठीक है कि यह है ठीक है अच्छा हा फ्राम एविडेंस ऑफ दियर एफेक्ट ऑन लिविंग टिश्यू और जो है इसके बारे में जो एविडेंस फ्राम एविडेंस ऑफ देर एफेक्ट उनकी जो एफेक्ट है लिविंग टिश्यू पर किस तरह से ये अफेक्ट करते हैं किस तरह से वायरस लिविंग थिंग्स को अफेक्ट करता है तो ये भी जो है एविडेंस uh, जो है लायक like है द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लेटर लेटर कन्फर्म देयर एग्जिस्टेंस ठीक है तो वही बात हो गई पहले तो हमने सिर्फ एज्यूम किया था इस इन, इनके कि भाई ये हैं लेकिन हमें ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से यानी बहुत ही एक्सट्रीमली स्मॉल साइज़ है तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से इसे देखना नामुमकिन सी बात थी सो इनके जो इफेक्ट है उसको भी एज्यूम ही किया गया ठीक है कि किस तरह इफेक्ट करते हैं इस तरह से लेकिन जब स्पेशल इंस्ट्रूमेंट आया जिसे क्या कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ठीक है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लेटर लेटर एक लेटर कन्फर्म है देयर एग्जिस्टेंस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने क्या किया कन्फर्म की इसकी एग्जिस्टेंस देयर एग्जिस्टेंस ठीक है कि ये किस तरह से है किस तरह दिखता है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है बहुत ही डीप में दिखा सकता है ना ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से तो ये स्पेशल इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए ही हमें एडवांस अंडरस्टेंडिंग एंड नॉलेज कह लें सही आई हमें मिली सही है ये इट वॉज नॉट सो वि बैक्टीरिया जो है नहीं होता बैक्टीरिया की तरह बैक्टीरिया के साथ बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द यानी बिफोर पहले द इन्वेंशन ऑफ द ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप मैन लीव इन इग्नोरेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिज माइक्रो ऑर्गेनिजम ये कह रहे हैं कि इट वाज़ नॉट सो कि नहीं है होता वो विद बैक्टीरिया के साथ बिफोर पहले जो था ना इन्वेंशन ऑफ ऑप्टिकल यानि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की ईजाद होने से पहले मैन uh, जो था ना वो लीव uh, वो क्या करता था मैन लीव इन इग्नोरेंस ऑफ द प्रेजेंस मैन जो है वो रहता था इग्नोरेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज़म यानी जब ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप भी नहीं आया था जब हमने बैक्टीरिया को भी नहीं देखा था तो हम समझते थे कि नहीं है जब ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से पहले की बात हो रही है तो क्योंकि बैक्टीरिया को तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के जरिए ही देखा का क्या ना सो so, मैन जो है वो तस्वर करता था वो इग्नोर करता था कि प्रेजेंस ऑफ दिया माइक्रोक्यूप भाई ऐसा कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम ही नहीं है क्योंकि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप तो था नहीं कि आप छोटे से यूनिसलर को देख सकें ठीक है और ये जो वायरस है ये नॉन सोलर है इसको ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता इसको देखा जा सकता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ठीक है सो पहले के तस्वर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से पहले की बात बता रहे हैं कि देखें स्पेशल इंस्ट्रोमेंट ज़रूरी होता है ठीक है स्पेशल इंस्ट्रूमेंट ज़रूरी होता है एडवांस नॉलेज के जरिए पूरे पैराग्राफ इसी पर बनाया गया है कि वायरसेस देख लें ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के ज़रिए से नहीं देखा जा सकता तो बैक्टीरिया को तो हमने देख लिया ठीक है सो तो एलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप आया और जो उसकी एग्जिस्टेंस है वो प्रूव हुई वायरस की क्योंकि हमने देखा वायरस को जब भी हमने माना जब तक तो हम कोई चीज़ नहीं देख लेते तो हम नहीं मानते ठीक है ये एक मुसलमान की निशानी भी है ठीक है सो इट वॉज़ नॉट फिर जैसे कि बैक्टीरिया की बात हो गई कि बिफोर द इन्वेंशन इस तरह से ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन से पहले की बात बता रहे हैं तो जब ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन से पहले की बात बता रहे हैं तो वहाँ पे भी मैन यही इसको इग्नोर करता था कि भाई कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म ही नहीं है क्योंकि उसने देखा नहीं था लेकिन जब ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो है वो उसकी इन्वेंशन हुई और बैक्टीरिया को देखा गया फिर न, ह्यूमन जो ह्यूमन बींग्स हैं उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ वाकई ये बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं ऑन द अर्थ ठीक है सो ये पूरी बात जो जो फर्स्ट लाइन थी ना उस पर डिस्कस हुई वैसे यार इतना कोई नहीं पढ़ाता और ये जो है ये कोचिंग में आपको बस इतना ज़्यादा को कोई भी नहीं पढ़ाता ये वर्ड टू वर्ड फिर भी आप लोग लाइक बटन नहीं प्रेस करते हैं मेरी एक वीडियो एक सौ पैंतीस स्टूडेंट ने देखी हुई है और लाइक पता है कितने ने किया है आप लोग हैरान हो जाएंगे सोलह स्टूडेंट ने सिर्फ लाइक किया है और मैं अभी उठी हूँ मैंने डायरेक्ट बैठी हूँ मेरी छोटी बहन कह रही है कि पहले नाश्ता कर लो सो फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ एक सौ पैंतीस में से सिर्फ सोलह बच्चों ने लाइक किया है सो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दिया करें मैं तो अपने वक्त में कोई भी वीडियो देख लेती थी, थी ना तो मैं पहले लाइक कर पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया वो कर देती थी और फोनों ने लाइक कर देती थी ठीक है क्योंकि मुझे अगर उससे थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ है ना मैं फ़ौन लाइक ज़रूर कर देती थी लेकिन प्लीज़ आप लोग भी इस तरह कर कर दिया करो और एक स्टूडेंट है जो कि मैं जैसे वीडियो अपलोड करती हूँ फ़ौर ही लाइक कर देता है वो बहुत ही मतलब एक ईमानदार स्टूडेंट है बिल्कुल मेरी तरह पता नहीं वो मैं उस अगर वो अभी ये वीडियो देख रहा है या देख रही है सो वो जो भी है ना जैसे मैं वीडियो अपलोड करती हूँ फ़ौर ही वो देख आ, देखता है और फिर तो मैं देखती हूँ कि उसने लाइक का बटन प्रेस किया या नहीं तो लाइक का बटन प्रेस वो स्टार्ट में ही कर देता है या कर देती है मुझे नहीं पता कि वो कौन है ठीक है सो so, वो उससे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो जो है ना कमेंट कर दिया करें फ़र्स्ट व्यूअर इस तरह लिख दिया करे ताकि मैं देख सकूँ कि वो ईमानदार बच्चा आखिर कौन है ठीक है तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं जैसे वीडियो अपलोड करती हूँ फ़र्स्ट उसी का आता है लाइक और मैं देखती हूँ कि ये ईमानदार है बिल्कुल मेरी तरह सो so, प्लीज़ अगर वो देख रहा है तो वो कमेंट करके लिख दिया करें कि फर्स्ट व्यू है okay, ओके आगे क्या है आगे बढ़ लेते हैं तो ये स्टैंड मुझे सही नहीं लग रहा यह तो शायद मैं ज़ूम बहुत कर दिया है मैं इस जूम को थोड़ा सा ऊपर कर वो सही कर दूँ अब ठीक है अच्छा एनाटोमी वॉन हो सिक्सटीन सेवेंटी थ्री वो द तो फर्स्ट टू तो ऑब्जर्व माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छा इस साइगजाम का नाम याद रख लें कि इन्होंने क्या किया था फ़र्स्ट ऑब्ज़र्व किया था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को so सही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि बैक्टीरिया है ठीक है वायरसेस है ही कंस्ट्रक्ट अ सिंपल माइक्रोस्कोप इन्होंने क्या किया कंस्ट्रक्ट किया सिंपल माइक्रोस्कोप एंड ऑब्ज़र्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर और ऑब्जर्व किया एक ड्रॉप ऑफ वाटर मैं ठीक है इसे यही कह रहे हैं कि ये ही थे वो साइंसदानी वर्ल्ड अलेवन हॉक सिक्सटीन सेवेंटी वो द फर्स्ट ये एम्सिक्यूट में आ सकता है कि कौन थे जिन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तो इसको याद रख लीजिएगा और इन्होंने क्या किया था कंस्ट्रक्टेड किया था सिंपल माइक्रोस्कोप में ये भी याद रख लीजिएगा और ऑब्जॉर्व किया था ड्रॉप ऑफ वाटर में इन्होंने ऑब्जॉर्व किया था ये भी पूछ सकते हैं कि इसमें इन्होंने ऑब्जॉर्व किया था तो ड्रॉप ऑफ वाटर में ठीक है इन्होंने डिस्कवर लाइफ इन द फॉर्म Uh, इन्होंने बताया डिस्कवर किया कि लाइफ जो जिंदगी है इन अ फॉर्म ये एक फॉर्म में है डेट वॉज अनएक्सपेक्टेड जो कि क्या है अनएक्सपेक्टेड है मतलब हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं ठीक है ही वॉज अमेज इन्होंने क्या किया लिविंग ऑब्जेक्ट्स डेट द डेट ही सो रिलिंग एंड Darting across द फील्ड ऑफ द नजर ही नहीं आ रहा मुझे तो लाइट नहीं है ना तो मैं ये बाहर बैठी मतलब दरवाजा खोल के बैठी हूँ शायद इस वजह से टाइनी लिविंग ऑब्जेक्ट डेट ही अक्रॉस द फील्ड ही ऑफ his लिटिल माइक्रोस्कोप वेन ही एक् ड्रॉप्स ऑफ वेरियस काइंड वाटर और लिक्विड अच्छा ये कह रहे हैं ये वही बात हो गई कि इसने बताया कि जिंदगी जो है ना एक अनएक्सपेक्टेड है वॉज द बेस्ट कि इन्होंने क्या किया वाइटी ऑफ डाइनी लिविंग्स ऑब्जेक्ट्स बहुत से जो छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं न लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो हैं इन्होंने उनको देखा सही है रिलिंग काटे और डार्टिंग करके अक्रॉस द फील्ड फील्ड के अक्रॉस ठीक है उन्होंने क्या किया लिटिल माइक्रोस्कोप इन्होंने उसको क्या किया लिटिल uh, माइक्रोस्कोप जो इनका uh, उसमें था ना उसमें उन्होंने देखा और एग्जामिन किया ड्रॉप्स ऑफ वेरियस किस में ड्रॉप्स में ठीक है वेरियस काइंड ऑफ वाटर मुख्तलिफ़ काइंड जो है वाटर्स की या लिक्विड्स की उसमें उसने उसको देखा उस जो माइक्रोस्कोप जो उसने कंस्ट्रक्टेड किया था ना उसमें सो so, इस तरह से ये देखता गया और उसने बताया ये जो है ज़िंदगी वो एक अनएक्सपेक्टेड है ऐसा ही है इसमें इतना कुछ खास नहीं है बस जो एम सी की उसके हवाले से याद रखना है तो मैंने बता दिया बिकम्स सो एक तो एजुसेटे रुके रुके ही बिकम्स ये जो है क्या थे बहुत ही ज़्यादा एजुसेस्टिक थे अबाउट वट ही सो डेट ही रॉट सिविल क्योंकि इन्होंने जो है दे, आ, दे देखे हैं कि बहुत ही सिविल लेटर्स आ, जो है टू द रॉयल सोसाइटी ऑफ इन लंडन इन्होंने क्या किया बहुत से लेटर्स थे जो कि रॉयल सोसाइटी इन लंडन में थे ये भी इतना तो बहुत ही जो डिफ़िकल इंटर टेस्ट होगा जब भी पूछा जाएगा कि किस में लिखे है वो थे तो वो रॉयल सोसाइटी इन लंडन में थे ऑन लेटर विद इन अकाउंट ऑफ ही ही सो सो हिज पब्लिश उन्होंने पब्लिश किया बाई सटी सेवन ये भी नहीं आ सकता में इतना कुछ खास नहीं है द आर्टिकल इंक्लूडेड द वे फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ बैक्टीरिया हाँ जो आर्टिकल इंक्लूडेड था ना वेरी फर्स्ट जो सबसे पहला पहले डिस्क्रिप्शन में था वो किस पर था बैक्टीरिया पर था तो ये याद रख लीजिएगा जो आर्टिकल इंक्लूडेड था ना डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले वो बैक्टीरिया पर था बस ये भाई लाइन ये ठीक है बस इसमें ऐसे से क्यों ये याद रखना है ठीक है ये याद रख लें और तो इससे कुछ नहीं था सभी इंट्रोडक्शन में ही था क्या किस तरह से ठीक है सो so, मैं वीडियो एंड करने से पहले आप लोगों से पहले रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो इस चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन को प्रेस कर दें लाइक का बटन प्रेस करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ और जो है अपनी दुआओं में से याद रखें ठीक है सो अल्लाह हाफ